सिंधिया हुए लापता, दिग्विजय ने कसा तंज, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। वीडियो में सिंधिया अलग अलग मौकों पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाकाल मंदिर में नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। 14 सेकंड के इस वीडियो को दो वीडियो क्लिप जोड़कर बनाया गया है। पहला भाग उस वक्त का है जब राहुल गांधी उज्जैन आए थे। वीडियो में सिंधिया महाकाल मंदिर के गर्भगृह में राहुल के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो का हिस्सा मंगलवार का है जब पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। वीडियो के दूसरे हिस्से में पीएम मोदी गर्भगृह में बैठकर पूजा करते दिख रहे हैं जबकि सिंधिया गर्भगृह के बाहर पीछे बैठे हुए हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि महाराज लापता हो गए देखते देखते। इस वीडियो को कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक और राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता ने शेयर किया था जिसे दिग्विजय ने शेयर किया। इससे पहले बुधवार को भोपाल में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में दिग्विजय सिंह के बेटे और गुना की राघोगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जयवर्धन सिंह ने बिना नाम लिए सिंधिया को पनौती बताया था। उन्होंने कहा था कि ग्वालियर की पनौती भाजपा में चली गई, इसी वजह से ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बन पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक अदावत काफी पुरानी है। इसमें थोड़ी नरमी उस समय जरूर आई थी जब कांग्रेस में रहते हुए जयवर्धन सिंह के बुलावे पर सिंधिया राघोगढ़ किले पर पहुंचे थे। हालांकि अब दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं और इस वजह से वर्षों से महल और किले के बीच खिंची लक्ष्मण रेखा भी अब टूट चुकी है। सिंधिया ने पिछले साल दिग्गी के गृहनगर राघोगढ़ में जाकर आम सभा की और उनके करीबी को भाजपा में शामिल करा लिया। यह पहला मौका था जब सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के इलाके में आम सभा ली थी। अब कांग्रेसी लगातार सिंधिया को आड़े हाथ ले रहे हैं। हालांकि सिंधिया ने अब तक न तो दिग्विजय सिंह पर की और न ही जयवर्धन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सरोकार इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।